न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। हाई कोर्ट में पीआईएल दायर करने वाली आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की अपील पर ही पिछले साल राज्य सूचना आयोग ने पंचायतों के उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किया था। अब सूचना आयोग के आदेश का पालन नहीं होने पर शिवानंद द्विवेदी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मजेदार बात यह है कि हाई कोर्ट का नोटिस जारी होते ही आनंद फानन रातों रात जिला पंचायत और जनपद पंचायत के उम्मीदवारों की जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी ग्राम पंचायत स्तर की कोई भी जानकारी न तो जिले की वेबसाइट और न ही निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने जून 2021 में ऐतिहासिक फैसला देते हुए मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवारों की सूची और शपथ पत्र वेबसाइट पर पब्लिक के लिए अपलोड करने के निर्देश मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग और प्रदेश के सभी कलेक्टरों को दिए हैं। सिंह ने कहा है कि यह जानकारी लोगों का संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए आरटीआई लगाने की भी जरूरत नहीं है। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पंचायत चुनाव के समय सभी उम्मीदवारों की जानकारी जनता को उपलब्ध कराने के अपने निर्णय के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत जनता का संवैधानिक अधिकार माना है। श्री सिंह ने अपने आदेश में कोरोना संक्रमण के बदलते स्वरूप के चलते पंचायत चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में सूचना के लिए भीड़ कम से कम लगे और जानकारी स्वतः पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को उपलब्ध होने को भी आधार बनाया है। वर्तमान में उम्मीदवारों की जानकारी जैसे उनके आपराधिक प्रकरण, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनकी चल और अचल संपत्ति की जानकारी पंचायत के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में चस्पा की जाती है। यानी कि दूर दराज गाँव के लोगों को तहसील में रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय तक आकर ही उम्मीदवारों की जानकारी देख सकते हैं। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद जानकारी को लेना टेढ़ी खीर है। चुनाव के बाद आरटीआई में जानकारी मांगने पर अक्सर अधिकारी कहते हैं कि जानकारी सील बंद लिफाफे में है और सक्षम अधिकारी ही दे सकते हैं, और ये सक्षम अधिकारी कौन है इसका खुलासा भी नहीं करते। कुल मिलाकर जानकारी भी नहीं मिल पाती है। सूचना आयोग ने इस प्रकरण में सिविल कोर्ट की सख्ती के अधीन जाँच की, चुनाव आयोग से जवाब तलब किया था। जाँच उपरांत सूचना आयोग ने पाया कि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के द्वारा अपने खुद के राजपत्र में हर पंचायत चुनाव में निर्देश जारी किए जाते हैं कि उम्मीदवारों की जानकारी जैसे शपथ पत्र, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति की जानकारी जनता के अवलोकन के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट और जिले के वेब पेज पर प्रदर्शित की जाए। इसके अलावा इस जानकारी को जिले के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शित करने का भी नियम है, पर स्वयं चुनाव आयोग इस नियम का पालन नहीं करता और ना ही जिले के वेब पेज पर यह जानकारी उपलब्ध है। आइए आपको सुनाते हैं आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी को कि उन्होंने क्या कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। एक हाई कोर्ट जबलपुर में अभी हमने पिटीशन दायर की थी 14/726/2022। अभी 11 जुलाई 2022 को इसके विषय में एक नोटिस जारी हुई है चीफ जस्टिस और जो जस्टिस की युगल पीठ थी उनके द्वारा ही इसमें जारी हुई नोटिस, जिसमें चुनाव आयोग जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग है, जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, जैसे जो जिला पंचायत का इलेक्शंस है, जनपद पंचायत का है और पंचायत का है, इनके जो अभ्यर्थी होते हैं इनकी जो शपथ पत्र होता है, सार पत्र होता है, जिसमें इनके आपराधिक रिकॉर्ड, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा होता है, यह जानकारी सार्वजनिक करने के लिए हमने मांग की थी। और बेसिकली क्या था कि इसके पहले हमने सूचना आयोग में एक आरटीआई लगाई थी अपने ही ग्राम पंचायत रीवा जिले का मामला है, गंगेर जनपद कैथा ग्राम पंचायत, वो हमने जानकारी सरपंच के शपथ पत्र की दी नहीं थी, जो वह अभ्यर्थी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और वो शपथ पत्र देते हैं, सार पत्र उनका, अचल अचल संपत्ति का ब्यौरा। फिर हमने इसकी प्रथम अपील की, उसमें भी जानकारी नहीं मिली, द्वितीय अपील की, तो आयोग में जब मामला गया तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त माननीय श्री राहुल सिंह जी के द्वारा इसमें निर्णय दिया गया। और हमने मांग भी की कि 23,922 उस समय पंचायतें थी पूरे मध्य प्रदेश में, तो यदि इतनी पंचायतों में हर कोई आरटीआई लगा करके अपने सरपंच का या किसी जनप्रतिनिधि का यदि ये डिटेल मांगता है तो कितनी आरटीआई हो जाएगी पूरे प्रदेश में, कितना इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा पीआईओ का, एफएए का और साथ में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का, तो क्यों नहीं ये जानकारी धारा 4 के तहत सार्वजनिक कर दी जाए। तो उन्होंने आदेश दिया ये जानकारी सार्वजनिक करने के लिए, जीएडी को आदेशित किया उन्होंने, निर्वाचन आयोग को उन्होंने आदेशित किया, लेकिन उनके आदेश का पालन नहीं हुआ। 29 जून 2021 के आदेश का आज तक पालन नहीं हुआ। जब पालन नहीं हुआ, इलेक्शन आ गया ये 2022 का पंचायत का पुनः, तो हमने उनको रिमाइंडर भेजा निर्वाचन आयोग को, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो हमने पीआईएल दायर कर दी। इसमें अभी हाल ही में जो एक नोटिस जारी हुई है
और नोटिस के चलते ही सूचना आयोग की जो नोटिस जारी हाई कोर्ट की जो नोटिस जारी हुई उसके चलते ही निर्वाचन आयोग ने रातों रात वो जानकारी अपडेट कर दी। तो इस समय हालांकि बहुत साफ सुथरी जानकारी उपलब्ध नहीं है और जिला पंचायत सदस्य जनपद पंचायत और सरपंचों की तो जानकारी कुछ है लेकिन भी पंचों की नहीं है क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत में पंच भी आते हैं और वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। या जो भी अभ्यर्थी थे उनके कितने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उनकी चल संपत्ति कितनी है, और जो भी सरपंच बने या कोई जिला पंचायत जनपद पंचायत के सदस्य बने उनका अभी 5 साल में कितना गेन हुआ, कितना उनका क्या गैर अनुपातिक गेन हुआ, वो भी चीज़ें बात देख सकते हैं क्योंकि आपके पास वो पिछला डिटेल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आपके ग्राम पंचायत का एक सरपंच था जिसका एक 2 कमरे का मकान हुआ करता था, गरीब किस्म का था, एक मोटरसाइकिल थी और एक उसके 2-3 साल में ठाट बाट हो गया है, उसके पास कार आ जाए, बड़ी 4-व्हीलर आ जाए, कई मंजिला मकान बन जाए, जमीन जायदाद ले ले, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाई कोई बिजनेस तो किया नहीं है, है ना, जनसेवा का काम है और कहाँ से इतनी संपत्ति है, सीधी सी बात है यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो इससे आप ये सब आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी शिकायतें कर सकते हैं, जागरूक नागरिक इसमें कार्यवाही करवा सकते हैं, इससे काफ़ी हद तक ये जो बंकरवाद भ्रष्टाचार जो चल रहा था उसे बंद होगा। तो सूचना का अधिकार एक सशक्त हथियार है और सूचना के अधिकार का ही उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता लाई जा सकती है।